इंडियन क्रिकेट टीम ने एक बार फिर से दिखा दिया कि भाई क्यों दो दफा WTC फाइनल में जगह बनाने वाली टीम बनी है। इंग्लैंड जैसी बैस बॉल खेलने वाली टीम को बैस बॉल सिखा दिया, और भाई बैस बॉल ना कह के जैस बॉल सिखा दिया कहे तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसी बैटिंग करी है इंडियन क्रिकेट टीम ने, खास करके अगर बात करें यशस्वी जायसवाल 13 इनिंग दूसरा दोहरा शतक एक शतक लगा चुके हैं। भाई क्या इनक्रेडिबल प्लेयर है, इनकी जो मोटिवेशनल स्टोरी रही है वो हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन जायसवाल के डबल हंड्रेड से टीम इंडिया ने मुकाबला जीत लिया है इंग्लैंड के अगेंस्ट राजकोट में 434 रन के बड़े मार्जिन से। अब मैच के बारे में बताएं तो सबसे पहले तो टीम इंडिया ने बैटिंग करी और दोनों ही इनिंग्स में 400 रन प्लस बनाए। सबसे पहले रोहित शर्मा, जिनकी इतनी ज्यादा आलोचना हो रही थी कि रन नहीं बन रहे हैं, रोहित शर्मा ने लगा दी 100। टेस्ट करियर में एक और इनिंग जोड़ दी है, उनके नाम आ गई है। इसके बाद सेम ही इनिंग में रविंद्र जडेजा ने लगाया 100। रविंद्र जडेजा के बाद डेब्यूटांट सरफराज खान ने खेली 50 रन की नॉक, और दूसरे इनिंग में भी सरफराज खान के बल्ले से निकला 50, और कहीं ना कहीं मैच वहां से हमको दिख गया था कि टीम इंडिया की बैटिंग कहीं कमजोर नहीं रहने वाली है, टीम इंडिया की बॉलिंग अब कैसी रहने वाली है। तो सेकेंड इनिंग की शुरुआत हुई, इंग्लैंड ने बैटिंग करी, बेन डकेट की जबरदस्त पारी जो कि काफी क्विक फायरिंग थी, 100 प्लस रन लगाए, और वहां से कहीं ना कहीं टीम इंडिया की चिंता जरूर बढ़ी होगी क्योंकि रविचंद्रन अश्विन भी सेम डे एंड में बाहर हो गए थे पर्सनल रीजंस की वजह से इस टेस्ट में। अब यहां से एक कंसर्न हो गया था कि भाई इंडिया की बॉलिंग कौन संभालेगा, तो सबसे पहले तो मोहम्मद सिराज की तारीफ करनी पड़ेगी, जडेजा की तारीफ करते बनेगी, कुलदीप यादव की तारीफ करते बनेगी। 4 लगाया सिराज ने और एक बार फिर से दिखा दिया कि भाई जब जब टीम को जरूरत पड़ी है मोहम्मद सिराज ने स्टेप अप किया है। टीम इंडिया ने फंबल कर दिया, पूरी डिसमेंटल कर दिया इंग्लैंड की साइड को। अब वहां से अच्छी 140 प्लस रन की लीड थी, पूरा डिसाइड होना था कि टीम इंडिया थर्ड इनिंग में कैसे बैटिंग करती है जहां पे स्पिन ट्रैक होने वाला है। तो सबसे पहले तो भाई नंबर लगा दिए यशस्वी जायसवाल ने, 12 छक्के इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में लगाए 13 इनिंग में, जैसे पहले भी बता चुका हूं, दूसरा डबल 100 और आया है इंग्लैंड के ही अगेंस्ट। वहां से कहीं ना कहीं डिसाइड हो गया था कैसे गेम चलेगा, ऐसे गेम चलेगा। लेकिन शुभमन गिल, जिन्होंने पिछले मैच में 100 लगाया था, उन्होंने 91 रन नॉक खेली, रन आउट हुए, अनलकी साबित हो गए, लेकिन 91 रन का एक इंपॉर्टेंट नॉक खेला, बाद में आके अच्छी बैटिंग कर दी सरफराज खान ने, और क्या छक्के लगाए हैं भाई ने, क्या चौके लगाए हैं एक अल्टीमेट स्टाइल में। तो टीम इंडिया ने यहां से रखी थी 500 से ज्यादा रन की लीड और इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया सस्ते में। इसी के साथ 434 रन की बहुत ही अच्छी जीत, सीरीज में 2-1 से टीम इंडिया हो गया है आगे। और सेकेंड इनिंग में रविंद्र जडेजा ने लगाया 5, और रविंद्र जडेजा की इस 5 के साथ उन्हें मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी दिया गया। इसी के अलावा एक विकेट लिया था रविचंद्रन अश्विन ने पहली इनिंग में, इस टेस्ट सीरीज इस टेस्ट मैच से बाहर जाने से पहले एक विकेट उनके लिए बहुत ज्यादा अचीवमेंट के समान होगा क्योंकि अनिल कुंबले क्लब में शामिल हो गए हैं इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में, 500 विकेट ज्यादा लेने का कारनामा कर दिया है अनिल कुंबले पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आ गए हैं रविचंद्रन अश्विन, और आने वाले मैचेस में क्या देखने को मिलेगा, ये टीम इंडिया कैसा शो पेश करेगा, ये तो आपको दिख जाएगा रांची में। अभी के लिए इतना ही, लेकिन क्या जबरदस्त टीम खेल रही है और ऐसे ही खेलती रही तो WTC फाइनल तीसरा भाई दूर नहीं है, और इस बार टीम इंडिया का इरादा होगा कि इंग्लैंड में जाके WTC ट्रॉफी उठाए। खेल क्रिकेट को लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब इसी नोट के साथ करते रहेगा।